रेडी, लगेज रेडी, बस अब पैकिंग करेंगे, बाइक्स को थोड़ा वॉश वॉश कराते हैं और अपना निकलते हैं मणिकरण। यहाँ सीधा रास्ता है, मणिकरण से फिर सीधा 5 किलोमीटर ऊपर है थोड़ा, और उसके बाद मणिकरण से वापस आके अपना यहीं से हमें भुंतर जाना है, और भुंतर के बाद अपना मनाली, मनाली वहाँ खड़ी करते हैं अपनी बाइक, फिर अपना आगे सफ़र दिखाता हूँ आपको। नवर में एक ही बाइक पे आ गए थे, यहाँ से गुरुद्वारा शुरू, नीचे हमारी पार्वती नदी, एक धुआं निकल रहा है ना, पानी गर्म होता है पूरा, ये सारे रूम्स हैं यहाँ के रहने के लिए। एंट्रेंस है गुरुद्वारे की, नीचे पार्वती नदी देखो कितनी स्पीड से बह रही है, बहुत तेज फ्लो है, और वहाँ देखो सारा अपना गर्म पानी निकल रहा है, ये नेचुरल है सारा गुरुद्वारा मणिकरण। ये कुदरत का करिश्मा ही है एक तरह से, नज़ारे देखो, यहाँ ठंडा पानी और बिल्कुल सामने गर्म पानी, राम मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है, और अपना गुरुद्वारा भी है, काफ़ी ऐतिहासिक गुरुद्वारा हमारा सिखों का। वहाँ सरोवर है नहाने का, वो भी गर्म पानी होगा वहाँ पे, इस सारा पानी सरोवर का और बिल्कुल गर्म। अभी जाते हैं, हम भी डुबकी लगाते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ का मस्त नज़ारे ही नज़ारे ही नज़ारे। ये सारे सराय रूम रहने के जो श्रद्धालु आते हैं वहाँ रहते हैं यहाँ पे, एंड हियर इज़ योर मणिकरण गुरुद्वारा, यू कैन स्टे ओवर देयर ऑल्सो, nice place to visit, must visit place, natural beauty, Delhi ki tension se dur, I'm enjoying and I'm loving it. बर्तन लेके हॉट किए हुए यहाँ पे सारी, मतलब दीवारें और फ्लोर बिल्कुल गर्म है, और बाहर का वेदर इतना माइनस में है और अंदर इतना गर्मी है, पूरी सुरंग सी बना रखी है उन्होंने, गुफा सी थी पूरी। गरम गरम पानी यहाँ पे, यहाँ पे सारा कुंड है जिसमें गर्म पानी रहता है पूरा। एक लौती ऐसी मूर्ति है शिव जी की जिसमें बिल्कुल ब्लैक और ब्लैक कलर की है, यहाँ पे बैग्स रखो चावल के ऐसे, और थोड़ी देर में उबल के निकलते हैं।
चावल और छोले यहाँ पे अंदर डालो तो उबल के निकलते हैं बिल्कुल, कच्चे चावल और छोले। तो करते हैं भाई मणिकरण गुरुद्वारे को, बाबा जी फिर से नेक्स्ट टाइम लेके आना, अच्छे से दर्शन कराना। शिव मंदिर भी बहुत अच्छा लगा, सरोवर में नहा के भी बहुत अच्छा लगा। सो बोले सोनिहार सत श्री अकाल, नेक्स्ट टाइम बाबा जी फिर लेके आना। हम निकल चुके थे कसौल से भुंडर की तरफ, वहाँ से पकड़ेंगे मनाली की बस। तो बस अभी थोड़ी देर रुका था मैं मैगी के लिए और अपना बाइक यहाँ खड़ी करी है। फ्रेंड मेरा चलता यार, क्योंकि उसको थोड़ा स्पीड पकड़नी थी, मेरी थोड़ी आगे पीछे स्पीड होती है, अदरवाइज़ मेरा थोड़ा तो चल जा, मैं थोड़ी देर रुक रहा हूँ तो पहुँच तक मैं आ जाऊँगा पीछे पीछे। पार्किंग है, हमने अपने अभी गाड़ी लगा दी है दो दिन के लिए, अपनी बाइकें हमने ऐसे लगा दी इधर कोने में। तो उसके बाद अब यहाँ से हम जाएंगे बस पे सफ़र करेंगे। ये पार्किंग है, ये बस स्टैंड बिल्कुल मुड़ते यहाँ से सामने ही है, तो हम बैठ के बस पे फिर आपसे बात करते हैं। ये है मनाली की लोकल बस, भुंतर से मनाली जा रहे हैं हम बस पे। टेंशन फ्री है ना ये, इसको कहते हैं दवा। हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड, ये रहा बस ने मैं उतारा यहाँ से, और ये मेन मार्केट चालू है यहाँ की। अब जल्दी से एक होटल उठते हैं और स्टे करते हैं, और वहाँ जरा कर फ्रेश व्रेश होकर आपको मैं आगे का नज़ारा दिखाता हूँ, रात को आपको मॉल रोड घुमाते हैं। बस ये मॉल रोड जा रही है यहाँ से सीधी, ये भी मॉल रोड है, यहाँ से हमें अंदर आते ही हमें पहला ही रूम मिल गया। मैंने खिड़की खोली थी, मैं आपको खिड़की से दिखाता हूँ। हमने दो दिन का टैरिफ लिया है, देखिए अच्छा रूम है, क्योंकि हम तो रूम में तो कम ही आएंगे खाने पीने, अदरवाइज तो बाहर ही आएंगे। वॉशरूम भी साफ़ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये है मेन मार्केट आपकी मनाली की, अपना भारत देश महान का झंडा, इंडिया का फ्लैग, ये नो बड़ा मेन। चलो घूमते हैं, दिखाते हैं आपको नई नई चीज़ें। ये है मेन मार्केट हमारी माल रोड मनाली की। सर्दी के कपड़े मस्त मस्त, सॉफ्टी लोग बहुत खा रहे हैं यहाँ पे। बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे हमने अभी चिकन तंदूरी बोला था, तंदूरी चिकन खाने को, और यहाँ ही हमें स्ट्रीट फूड मिल गया अपना साथ में, चिकन नूडल्स एंड चिकन मोमोज। यहाँ पे हम आए थे मालियन ढाबे पे अपना खाने, ये अपना चिकन मोमोज, आज मोमोज काफ़ी हुए। मार्केट की रश क्राउड मस्त,
गुलाब जामुन देखो, ये टुप भी कैसा है भाई, दोनों तरफ से फ्लैट है। लाफिंग खाने आए हैं, यहाँ पे स्पेशल है लाफिंग। कितनी देर का रास्ता है? पौने घंटे घंटे का। सो गाइस वी आर एट सोलांग वैली, देखो कितनी स्नो पड़ी हुई है, बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं सोलांग वैली में, देखो ऐसी ऐसे सारी जगह। हेलो मैम, सोलांग वैली वेलकम्स यू। सोलांग वैली में हम आए हैं, बस अभी ट्रैकिंग करते हैं बर्फ़ के ऊपर। इस तरह के ढाबे बने हुए मैगी पॉइंट्स। ट्रैफिक इस बार बहुत ज़्यादा आया हुआ है, टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं इस बार सोलांग वैली। जब मैं लास्ट टाइम आया था थोड़े टूरिस्ट कम थे, बट इस बार बहुत टूरिस्ट है, और स्नो भी काफ़ी पड़ी हुई है, कह रहे कि 5 साल से ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है। चिकन चावल, मीट चावल, हमें गलती कर दी, हमें अपनी बाइक्स लेके आना चाहिए ऊपर तक। हमने बाइक खड़ी कर दी है विंटर के अंदर पार्किंग में। ये देखो ऊपर सारे मैगी पॉइंट हैं, स्नो पर चल के जाना पड़ता है चढ़ चढ़ के ट्रैकिंग करके। 800 मारुति 800 पूरी धसी पड़ी है बर्फ़ के अंदर, और इस तरह से कुछ पहाड़ है बर्फ़ के। रिजॉर्ट भी हैं सामने, वो देखो ट्रैक्टर भी पूरा धसा पड़ा अंदर। ढाबे बहुत सारे हैं, वेज नॉन वेज सारा कुछ। सबसे बेस्ट जगह लगती है मुझे मनाली में, पहले भी आया था मैं, इस बार भी सोलांग वैली के लिए ही आया था और थोड़ा बहुत कसौल घूमने के लिए। थक चुके हैं बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग कर करके, अभी और ट्रैकिंग करनी है हमें। दिखा रहे हैं आपको जैसे जैसे हम एक्सप्लोर कर रहे हूँ, तो ब्लैक आइज होती है इसकी वजह से टायर स्लिप मारते हैं गाड़ियों के, तो मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ी थोड़ी इस तरफ कर रखी है। दो मिनट आइज होती है ना, ब्लैक आइज हमेशा स्लिपरी होती है, लोगों की चप्पल जूते निशाने। गाइस ये मत करा करो, जो अपना चिप्स विप्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक के ग्लासेस एंड ऑल सब इधर ही छोड़ देते हैं। देखो आइसक्रीम की रेडी तक अंदर डूबी पड़ी है बर्फ़ से, धसी पड़ी है। थक जाते हैं ट्रैकिंग कर करके, चलो बट समथिंग कुछ करना है एक्सप्लोर करने के लिए, आप लोगों को दिखाऊं तो चलना पड़ेगा ऊपर की तरफ। इतना प्यारा रैबिट है, पहाड़ी रैबिट है, बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने प्यारे माउंटेन्स है, दिल्ली की टेंशन से दूर, मस्त मस्त एंड मस्त। गाइस सी द क्राउड, स्नो स्नो एवरीवेयर। सोलांग वैली, हाँ भाई मस्त बना ना। चलो एक्टिविटी करते हैं बढ़िया सी, हमें लेके जाएंगे ऊपर से। हाँ नीचे जैसे अभी आ रहे हैं ना नीचे धक्का मारते मारते, अभी हम ऊपर ले जाएंगे पूरा, ऊपर से हमें नीचे लेके आएंगे। हम इसकी प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा, देखना गाइस एक बार। सो धीरे धीरे जैसे जैसे एक्टिविटीज शो कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम कम है, 5:30 बजे अंधेरा होता है और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जाना बंद हो जाता है। हमारी बाइक्स तो नीचे, हमें जैसे मैंने आपको शेयर किया था, तो दिखाते हैं आपको ऊपर से नीचे आकर दिखाते एक बार। आए गाइस, हमने उस बंदे को हायर किया, देखो कहाँ तक ले गया ऊपर तक, इसको ये नहीं पता पहले चल के भी तो आना पड़ेगा। पर स्नो जो है स्लिपरी है बहुत, देखो छोटे छोटे बच्चे स्काइंग कर रहे हैं। ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ गिरा गिरा बच गया, मस्त है मस्त। हालत हो चुकी टाइट, बिल्कुल नीचे से आए चल के, अब बैठने लगे हैं इस पर, बनाते हैं प्रॉपर व्लॉग। कर दो भाई, वाहिगुरु। ये क्या है, ब्रेक है ना,
आए हैं ऊपर से नीचे तक, मज़ा आ गया। कॉफ़ी टाइम गाइस, कॉफ़ी टाइम, कॉफ़ी 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 कॉफ़ी। अरे चाट खाने चने चुने कुछ खा लो। हाँ भाई निकलेंगे यहाँ से अपना सोलांग वैली से, अपना फिर से 5 बजे की हमारी बस है नीचे अपना मनाली की तरफ, तो बस थोड़ी देर में निकलते हैं और आपको बस का सफ़र भी दिखाते हैं। और जैसे जैसे मैं आगे का एक्सप्लोर कर रहा हूँ चीज़ें सोच रहा हूँ कि आपको दिखाऊँ, क्योंकि अभी पैराग्लाइडिंग बंद है तो पैराग्लाइडिंग हम जा नहीं रहे, और स्कीइंग मेरे को इतना मन नहीं था करने का, और बस थी कि हमने थोड़ा सा जो ऊपर से लकड़ी का जो भी था आई डोंट नो क्या कहते हैं कार्ड सा, उसमें से हम नीचे आए हैं, बस वही मैंने अभी ब्लॉग बनाया, बाकी थोड़ा थोड़ा आपको दिखाऊँगा, बाकी कुछ खाते हैं फिर आपको दिखाते हैं आगे का अपना। ब्लैक आइस ब्लैक आइस ब्लैक आइस। लगे मैगी, यहाँ सोलांग वैली से नीचे आए थे तो मैगी खाने लगे हैं, और अपने यहाँ सिटिंग है और चाय पीते हैं और मैगी खाते हैं, पीछे भी स्नो स्नो। नाइस प्लेस टू विजिट गाइस, मस्ट विजिट। खाने पीने की शॉप जा रहा है यहाँ पे, नाइस। ये भी आती है? नहीं नहीं, मैं तो